एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देख सकते हैं, ये है हमारा मॉन्स्टर टैंक जो कि आज के आज बदलने वाला है पूरा का पूरा। देख सकते हैं जो इसका जो सेटअप है, नीचे का कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं, और ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका था तो इसे हम पूरा का पूरा आज बदलने वाले हैं। और हमारा स्टील का स्टैंड आने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्द, तो मैं ये आपको लास्ट बार दिखाने वाला हूँ कि हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता था, देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी अपडेट्स हैं तो मैं वो आपको अपडेट देने वाला हूँ अभी के अभी कि यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है और कैसे बनने वाला है। और हमारा एरवाना टैंक भी यहीं के यहीं होने वाला है सेटअप, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली वीडियो। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारे पास हमारा खूबसूरत ऑस्कर फिश नहीं रहा हमारे साथ। देख सकते हैं ये टैंक उसके बिना पूरा का पूरा खाली हो चुका है यार, पूरा का पूरा। और क्या बोल सकते हैं, अब बस हमारे पास एक ही ऑस्कर बची है जो हमारी जाइंट ऑस्कर जिसका नाम वेनिला है। और बॉब तो बेचारा नहीं रहा, देख सकते हैं, उसके वजह से पूरा हमारा एक साइड पूरा खाली हो चुका है क्योंकि वो हमेशा यहीं बैठता था। अब क्या कर सकते हैं यार, तो उसी के याद में हम एक एरवाना लाने वाले हैं। और एरवाना तो हम वैसे लाने ही वाले थे और मैं सोच रहा था कि उसे कुछ दिन बाद लाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था और फिर इसलिए मैंने सोचा कि एक एरवाना टैंक यहाँ ले आए और यहीं इसके पास रखेंगे। और पहले तो हम उसे ऊपर रखने वाले थे हमारे ऊपर वाले रूम पे, लेकिन नहीं, अब हम इसे यहीं रखेंगे। और कैसा कैसा सेटअप होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं ये है हमारा 5 फीट का टैंक पूरा का पूरा, और सेम 5 फीट का नीचे बनने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि जो हमारा एरवाना होगा वो हम ऊपर रखेंगे और ये वाला सारा टैंक नीचे चला जाएगा ताकि हमें एक नया लुक मिलेगा। और एरवाना को भी बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम उसके लिए 1.5 फीट विड्थ वाला टैंक बनवाने वाले हैं, वो भी सेम 5 फीट का रहेगा। तो अभी टैंक तो नहीं आया है, हम पहले स्टील का स्टैंड देखेंगे कि उसमें कितना स्पेस है और कैसा कैसा है, तो उस हिसाब से मेजरमेंट लेके हमको टैंक का साइज़ देना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और एरवाना भी हम बहुत जल्दी लाएंगे, उसके लिए फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि उसमें शायद सम्प ना बनवाऊँ, या फिर बनवा भी सकता हूँ, देखते हैं कि वो क्या होने वाला है बाद में। और मैं सोच रहा था उसके लिए कैनिस्टर फिल्टर एक DIY बनाऊं और एक खरीद भी लूँ मार्केट से ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो पानी की कंडीशन के लिए, क्योंकि पानी की कंडीशन वजह से देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। हमारी बेटा फिश की डेथ हो गई और ऑस्कर फिश तो उसकी तो बहुत एज हो चुकी थी और क्या ही कर सकते हैं। और देख सकते हैं बाकी सारी मछलियाँ मस्त है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा वाटर कंडीशन इसका ख़राब होता तो सारे फिश को अफेक्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं यार हमारा बॉब। और ये छोटा वाला भी टैंक देख सकते हैं हमारा बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, बहुत सही हो गया और कोई किसी को नहीं खा रहा है। और मैंने इसे एग भी दिया देख सकते हैं यहाँ पे, और मॉलीज हमारी खा रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से, पैरोट फिश भी बहुत बढ़िया तरीके से घूम रही हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है, सब बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और ये वाला टैंक तो यहीं रहेगा और यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट बन जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमारे पास पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा यार, बॉब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता हमारा मॉन्स्टर टैंक, लेकिन क्या करें, उसी की याद पे हम एक एरवाना लाएंगे। और कौन सी एरवाना होगी वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है हमारा अभी का सेटअप, और बाद में कैसा दिखेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा बहुत जल्द, और आज ही पता चल जाएगा ये स्टैंड जब हम ले आएंगे आज। और पूरा का पूरा टैंक को खाली करना पड़ेगा हमें, देख सकते हैं। और अभी मैंने ज़्यादा इसमें पानी चेंज वेस्ट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहता कि ये टैंक टूट जाए, क्योंकि देख सकते हैं टेढ़ा तो हो ही चुका है पूरा पूरा। तो कोई नहीं, बस कुछ देर बाद हमारे पास एक नया स्टील का स्टैंड होगा और फिर देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो ये देख लो दूर से हमारा लास्ट बार सेटअप कुछ इस तरीके से है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता था यार। ये देखो सारी फिशेस हमारी, पैरोट फिश, सेवरम फिश, ग्रीन टेरर भी है, और ये एक हमारी फायर रेड ऑस्कर जो हमने लेके आई थी। और देख सकते हैं टैंक पे थोड़ा ग्लास भी गंदा हो चुका है और मैं ज़्यादा इसमें हिलाना नहीं चाहता ग्लास को साफ वाफ करके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता मैं। तो ये देखो टैंक हमारा, वाह यार ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, दोनों पिंक लाइटिंग में इसको देख सकते हैं, हमारा ड्रिफ्टवुड, वाह सभी टैंक हमारे बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस क्या करें यार, बॉब की थोड़ी सी कमी है और एरवाना भी हम बहुत जल्दी लाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी, तो देखते हैं क्या होने वाला है अब। और एक और बात आपको बता दूं कि हमारा जो टैंक का साइज़ है देख सकते हैं
तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, हमारे टैंक की साइज़ इतनी बढ़ जाएगी भाई, कम से कम इतनी होने वाली है, क्योंकि ज़मीन से हम पूरा ऊपर उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे परेशानी को सामना करना पड़ेगा, हमें एक सीढ़ी भी लेनी पड़ेगी ताकि हम ऊपर से उसे हाथ डाल के क्लीन करेंगे सब चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और विड्थ देख सकते हैं इसकी, और एरवाना की विड्थ तो हमारे 1.5 फीट होगी होगी, आप कुछ भी कर लें क्योंकि उसे साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो उसे मुड़ने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए रहेगी, तो इसलिए सब सोच के करना पड़ रहा है अभी, इसलिए टाइम लग रहा था इतना हमारा एरवाना टैंक को बनने के लिए, क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। तो चलो इन्हें भी फीडिंग दे देते हैं क्योंकि सुबह का समय है और मैं फीडिंग देता ही हूँ इन्हें, तो फीडिंग देने से पहले हमें भाई सेम अपना रूटीन करना पड़ता है ऑफ शिकारी, और इसे तो नहीं देंगे क्योंकि ये खा चुके हैं, मैंने अभी अभी इन्हें एग दिया है। कहाँ है भाई एग, कहाँ क्या, अच्छा वो है, वो देखो मौली लोग घूम रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और ये हमारा क्यों नहीं चल रहा है भाई, लगता है इसमें डर्ट भर चुकी है, तो शायद ये अभी नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा चलता है हमारा टैंक, तो चलो अब थोड़ा सा फीडिंग दे देते हैं बेचारों को। ये देखो भाई, अभी हमारा बॉब होता तो सबको खा जाता। ओ भाई ऑस्कर कहाँ है, ओए खदे खाना आ चुका है, लगता है खाना नहीं खाएगा, इसे पता नहीं चल, ये बहुत अकेला फील कर रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है, जब से इसका पार्टनर चला गया है तब से बहुत स्लो हो चुका है यार ये। अब देखते हैं कि एरवाना को तो मैं इसमें डाल नहीं सकता, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इसमें, तो उसके लिए तो अलग टैंक लगेगा ही, और एरवाना के साथ साथ हम उसमें और भी कुछ फ़िश ऐड करने की कोशिश करेंगे बचपन से ही, ताकि उसे ज़्यादा एग्रेसिव मत हो, हम एकदम ही उसे क्यूट बनाएंगे, कोई मॉन्स्टर नहीं होने वाली वो। देख सकते हैं ये खा रही है बहुत धीरे धीरे, ओ भाई क्या हुआ भाई, अचानक से इसकी आत्मा जाग गई लगता है बेचारी ऑस्कर। तो फाइनल देख सकते हैं यही था हमारा टेंगा सेटअप, और कुछ दिनों बाद या फिर आपको परसों नर्सों वीडियो कभी भी आएगी तो आपको नए टैंक के साथ आएगी और नया स्टैंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को भी और मेरे को भी। और देख सकते हैं इस टैंक को कितना ज़्यादा मस्त दिखता है भाई, ये टैंक पिंक कलर का इसमें लाइट लगाया है मैंने, जो कि चेंज भी होता है, वाओ ब्यूटीफुल। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, हम जब स्टैंड ले आएंगे और इसका पूरा पानी चेंज करना है, ड्रेन करना है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भाई इस टैंक को नीचे रखने में, और सारी फिश को मैं कहाँ रखूँगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये सब, तो करेंगे धीरे धीरे जैसा भी होगा। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।